हे दोस्तों, अगर हम किसी अननोन लड़की को कोई मैसेज करते हैं तब भाई वो हमसे यही पूछती है कौन, या मेरा नंबर कहाँ से मिला, और कि आप कौन हो, क्या आप मुझे जानते हो, सैकड़ों सवाल वो हमसे पूछ लेती है। यार ये भी लड़की है जो पूनम प्रजापति, इसने ही मुझसे कुछ ऐसे ही सवाल किए हैं, और यार मैंने इन सवालों को कैसे सॉल्व किया है ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। दोस्तों ये जो लड़की है पूनम प्रजापति, इसका नंबर मेरे फ्रेंड के पास था, क्योंकि ये उसका क्लासमेट है, क्योंकि कॉलेज अभी काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं, तो मैंने उससे ये नंबर लिया और मैंने इसे कैसे बात की ये सब मैं दिखाने वाला हूँ। तो यार पहले तो मैंने इसे हेलो का मैसेज लिखा, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने इसे ऑनलाइन देखा था, तो मैंने इसे हेलो लिखा। फिर इसने बोला कौन, तो मैंने बोला रवि मौर्य, नाम तो सुना ही होगा। तो उसने बोला जी नहीं, नंबर कहाँ से मिला आपको। यार नॉर्मली किसी भी लड़की से अगर आप चैट करोगे अननोन से ना व्हाट्सएप पे, तो यार यही पूछेगी कि आपको नंबर कहाँ से मिला। तो मैंने बोला आपकी एक दोस्त से लिया। तो उसने बोला कौन दोस्त, नेम तो बताओ उसका। तो मैंने लगा नहीं, उसने मना किया है। तो उसने बोला ओके तो अब मैसेज मत करना, मैं अननोन से बात नहीं करती हूँ। यार यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर यहाँ से कैसे लड़की से बात करें। तब यार मैंने लिखा अरे मैं अननोन नहीं हूँ। तो उसने तुम मुझे जानते हो आप, तो मैंने लिखा हाँ तभी तो मैसेज किया। तो उसने लिखा पर मैं नहीं जानती हूँ, अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि यार मेरी डीपी लगी हुई थी, तो ये जाहिर सी बात है ये समझ जाएगी कि ये मुझे नहीं जानती है। तो मैंने लिखा अच्छा पर शुरुआत में तो सभी अनजान ही होते हैं। तो उसने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तो आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है। तो उसने बोला हाँ बहुत हैं। तो मैंने लिखा तो क्या आप उसको पहले से जानती हो, पहले तो सब अनजान थे ना। तो कहा तो लिखा उसके बाद तो दोस्ती हुई ना। तो उसने बोला हाँ। अच्छा तुम कहाँ रहते हो। तो उसने मुझसे ये बोला कि आप कहाँ रहते हो। तो मैंने उससे बोला दोस्तों के दिलों में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उसे पता नहीं देने वाला था, क्योंकि ये पता चल जाता कि मैं इसके पास का ही हूँ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या करते हो। तो मैं अभी तक तो कुछ नहीं करता था पर अब करूँगा। तो उसे क्या करोगे। तो ना आपके ऑनलाइन आने का वेट, ठीक है। तो अच्छा जी ये बात कितनी लड़की को बोल चुके हो। तो मैंने कहा बस तुम लास्ट हो। तो उसने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो आप। तो मैंने कहा हाँ पर तुमसे कम। तो यार थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर दिया मैंने। तो बोला तो अब तो बता दो नंबर कहाँ किसने दिया। तो मैंने कहा पहले फ्रेंडशिप तो करो। तो उसने बोला ओके हम फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा तो कल पक्का बता दूंगा। तो उसने बोला अभी क्यों नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ही। तो उसने तो कल ही बात करेंगे, ओके बाय। देखो यार ये लड़की मेरे पास की जरूर है, लेकिन ये मुझसे काफ़ी दूर रहती है, जैसे कि लगभग 17-18 किलोमीटर दूर रहती है, ठीक है। ये मुझे नहीं जानती, मेरा फ्रेंड सी और ये दोनों की कॉलेज में पढ़ते हैं। देखो यार यहाँ तक मैंने इसे अपना फ्रेंड तो बना लिया है, लेकिन यार क्या मुश्किलें आगे होने वाली हैं। अब मैं इसे इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं ये तो मैं अगली वीडियो में बना पाऊँगा, क्योंकि आज के दिन मेरी सिर्फ इतनी ही बातें हुई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे मतलब कैसे करके फांसा कि नंबर आपके फ्रेंड ने दिया, ये सब बातें यार आपको घुमा के करनी होंगी, क्योंकि डायरेक्टली बढ़ना लड़की आपको ब्लॉक कर देगी या बात नहीं करेगी। तो यार ऐसे सवाल नॉर्मली लड़की करती हैं। तो यार अगर नौ लड़की से बात करना है तो यार थोड़ा घुमाना पड़ेगा बात को। अगर आपको बात को घुमाना आता है तो आप किसी को भी आसानी से इंप्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेकंड पार्ट का वेट करना, क्योंकि मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जब भी मेरी इससे बात होगी। धन्यवाद।